जयपुर से पदक जीतकर आए यमन खान का आजकल बहुत जोरदार स्वागत हो रहा है। इसी सिलसिले में बिलासपुर कस्बे में चेयरमैन पद के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी अमजद सैफी के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। नमस्कार, आदाब, मैं शफी मोहम्मद सैफी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मिलवाता हूं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिसने राजस्थान के जयपुर में जाकर बिलासपुर कस्बे का नाम रोशन किया है। बिलासपुर जो ग्रेटर नोएडा में एक कस्बा है, स्किनर स्टेट के नाम से जानी जाती है, पहले ज़माने से एक रियासत है। वहीं का यमन खान एक जयपुर से गोल्ड मेडल जीत कर आया। कल भी इनका स्वागत हुआ था, सैकड़ों लोग जुटे थे, और आज भी इनका ज़ोरदार स्वागत हुआ है अमजद सैफी साहब के नेतृत्व में। यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं जो इनके स्वागत के लिए पहुँचे हैं। तो हम बात करेंगे मुश्ती भाई, देखो मैं जो कह रहा हूँ तुमसे, इसे सामने रखो, यहाँ किसी आदमी को नहीं दिखाना, इसमें घुमाओ मत इसे, हाँ बस कट करके दोबारा कर दो। हम बात करेंगे निज़ाम सैफी साहब से, जो युवा हैं, क्या कहेंगे इस प्रतिभा के बारे में, शख्सियत के बारे में। देखिए, बड़े खुशी की बात है कि हमारे कस्बा बिलासपुर में पहली बार कोई युवा गोल्ड मेडल जीत कर आया है। राजस्थान के जयपुर से पावर स्पोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कंपटीशन हुआ है उसमें हमारे भाई यमन खान फर्स्ट प्राइज लेकर आए हैं, जिसमें इन्होंने अभी दूसरे दो मुल्कों से भी अभी ऑफ़र हुआ है, श्रीलंका और एक और मुल्क है जिस जहाँ से इनको ऑफ़र हुआ है वेट लिफ्टिंग के लिए। अभी देखना यह है कि हमारे भाई कहाँ तक जाएंगे। हम सब का, पूरे कस्बे का प्यार इनके साथ बना हुआ है और हर तरह से इनके सपोर्ट में हम लोग रहे हैं और रहेंगे भी। बड़ी खुशी की बात है हमारे इस ज़िले के लिए भी कि एक अदर स्टेट से चलकर यहाँ तक हमारे पास गोल्ड मेडल आए हैं। बात करेंगे हम, अमजद सैफी साहब हैं, युवा हैं और बिलासपुर कस्बे से चेयरमैन पद के उम्मीदवार भी हैं और जनसंपर्क भी कर रहे हैं अमजद सैफी साहब। अमजद जी, क्या कहेंगे यमन खान के बारे में? यमन खान हमारे एक ऐसे नौजवान साथी हैं जो और नौजवानों को एक अपनी प्रेरणा से अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। मैं ये चाहता हूँ ऐसे प्रतिभाशाली लोग बिलासपुर में और पैदा करें, इन्हें देख के और पैदा हों और ये पूरा बिलासपुर इनका सहयोग करे, और मैं भी इनका सहयोग करूंगा और खुदा से ये दुआ करूंगा कि आने वाले टाइम में पूरे इस बिलासपुर का, इस गौतम बुद्ध नगर का, इस ज़िले का और पूरे भारत का नाम रोशन बाहर इंटरनेशनल मुल्क में जाके करें, ये मेरी दुआ है। हमारे साथ ये यमन खान के बड़े भाई हैं शहबाज खान, बात करेंगे, इन्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है एक
अच्छी बात है कि बिलासपुर का कोई युवा आगे पहुंचा है और उसने जयपुर में जाकर पदक जीता है। क्या कहेंगे शहबाज भाई? भाई हमें इस कस्बे में सभी का, हमारा सबका साथ है, सभी भाइयों का, और सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। सब ने आकर इनका स्वागत किया और हमें इससे भारी खुशी है कि हमारे इस भाई ने, चाचा का लड़का है हमारे, इन्होंने जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, और मैं ये चाहता हूँ कि और भी अच्छी ज़्यादा तरक्की करें, और इन्हें देख कर जितने भी युवा साथी हैं सब लोग मिलकर ऐसी ही इनके साथ सहयोग बनाए रखें। भाई यही मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। अच्छा, हमारे साथ ही यमन खान जो जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है और ये काबिलियत, ये शख्सियत आपके सामने है। यमन जी, आपका कल भी स्वागत हुआ था, यहाँ सैकड़ों लोग पहुँचे थे, आज भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोग आए हैं। तो आपकी अगली मंजिल, फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, और मैं सबका शुक्र अदा करूँगा अमजद भाई का, जिन्होंने इतना प्यार दिया और सम्मान दिया अपने छोटे भाई को, साथ ही साथ हमारे निजाम भाई जिन्होंने इतना कीमती समय दिया, और हमारे शिवाल भाई बाकी जितने भाई लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आकर मुझे सम्मान दिया और प्यार दिया। और मैं बाकी सबसे पहले युवाओं को आगे बढ़ने दूंगा कि सब इस लाइन में आगे आएँ और बिलासपुर का नाम रोशन करें। साथ ही साथ मेरा नेक्स्ट लेवल जो है नेपाल में है, जो 21 अप्रैल को है, उसके बाद में श्रीलंका में है और फिर भूटान में है, और इंशाल्लाह मैं और ऐसे ही आगे नाम रोशन करूँगा और बिलासपुर के नाम से मेडल भी लाऊंगा और इंडिया का झंडा लहराऊंगा। अच्छा, आप एक बिजनेसमैन थे, एक व्यापारी थे, आपके भाई भी एक बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, तो किसी चीज़ की एक लगन होती है, तो आपको ये लगन कैसे लगी? मतलब आपने कैसे सोचा कि मैं इस क्षेत्र में उतरूँ, ये काम करूँ? भाई आपको पता है कि बहुत लोग कलाकारी दिखाते हैं, बहुत लोग नाटक करते हैं, कोई खेलता, कोई कहीं जाता, कोई सलमान खान या शाहरुख खान ये नहीं बन पाता, कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता, तो आपके जहन में ये बात कैसे आई? जहन में बात ऐसा है कि मेरे भाई ने एक बार, मैं भैया की दुकान पर बैठा था, तो इन्होंने मुझे जिम जाने की सलाह दी कि ताकि फिट रहो। उसके बाद में शौक, मतलब हल्का नॉर्मली फिटनेस के लिए जिम जाना ज्वाइन करा, लेकिन वहाँ एक दूसरे को देख के देख मुझमें एक मोटिवेशन पैदा हुआ कि तू कुछ कर सकता है और इस लाइन में आगे जाकर अपना नाम कर सकता है। तो ऐसे देख 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 के फिर मैं इस लाइन में घुसता चला गया, अपना जिम ओपन करा, फिर साथ साथ इस जो कॉम्पिटिशन है इसमें कम्पीट करा, और इंशाल्लाह आज अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी कि आज जयपुर जाकर मैंने वहाँ पर बिलासपुर का नाम रोशन करा, 4 गोल्ड मेडल नाम हासिल करे और 4 इंटरनेशनल सिलेक्शन भी नाम अपने हासिल करे, और इंशाल्लाह 21 अप्रैल में भी जाऊँगा और वहाँ से भी मेडल लेकर आऊँगा बिलासपुर का नाम का। अच्छा, युवाओं के लिए आप एक कोई मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग आजकल के जो युवा हैं उनके बारे में, जिस जैसे आपने कामयाबी हासिल की है, आप नई जनरेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि वो मुझसे जुड़ें और जिस लायक भी मैं उनको ट्रेन कर सकूँ इस लाइन में, जो आगे बढ़ना चाहेगा और अपने इस लाइन में जिसको नॉलेज नहीं है, मैं उनको हर तरह से गाइड करूँगा और इस लाइन में आगे बढ़ने की एडवाइस दूंगा। इससे बच्चे क्या, युवाओं के एक तो काफ़ी हेल्दी भी रहेगा और बाकी ऐबों से बचा रहेगा, और आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है अपना फिट रखना, और मैं सभी युवाओं से कहूँगा कि मुझसे आगे जुड़ें और इंशाल्लाह तैयारी करें, वो भी बिलासपुर का नाम रोशन करें। अच्छा, हमारे साथ इनके भाई शानू हैं, जो व्यापारी हैं, एक बाज़ार में दुकान चलाते हैं, कॉस्मेटिक शॉप है, आप क्या कहेंगे अपने भाई की कामयाबी पर? देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ सभी साथियों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। मैं जैसे अमजद भाई हैं हमारे, शहबाज भाई हैं, ताऊ के लड़के हैं हमारे, सैफुर भाई हैं, और मैं अपने भाई को शुभकामना देता हूँ कि आगे भी इसी तरीके से मेहनत करते रहें और हमारा परिवार का, बिलासपुर का और कस्बे का नाम रोशन करते रहें। बस यही मैं इनसे कामना करता हूँ कि आगे के लिए और मेहनत, कड़ी से कड़ी मेहनत करें और नाम रोशन करें। थैंक यू। आपने देखा, सैकड़ों लोग कल भी पहुँचे और सैकड़ों लोग आज भी यमन खान का स्वागत करते नज़र आ रहे हैं, और यमन खान का खुद ये कहना है कि अगर किसी चीज़ की लगन हो तो वो सब कुछ हासिल कर सकता, क्योंकि यमन खान एक बिजनेसमैन थे, कारोबारी थे, और उन्होंने इस क्षेत्र में जाकर नाम रोशन किया। मैं शफी मोहम्मद सैफी, कैमरामैन मुशर्रफ खान के साथ।